हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन दिया हुआ है स्टेटमेंट टू दिया हुआ है स्टेटमेंट वन में दिया हुआ है कि इन एन इज़ द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डी एफ सी होता है यानी कि डेटरेटस फूड वो एक मेजर चैनल है जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो हो रहा है अब यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में डीएफसी नहीं होता वहाँ क्या होता है ग्रेजिंग फूड पेन होता है मेजर पैनल जिसकी वजह से आपका फूड एनर्जी फ्लो हो रहा है तो ये गलत दिया हुआ है अगर हम बात करें स्टेटमेंट टू की तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया स्टेटमेंट टू में दिया हुआ है इन अ टेरिस्ट्रियल इको अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डी दिया हुआ है यहाँ पे जी नहीं डी के थ्रू वहाँ पे लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो होता है देन थ्रू जी एफ सी तो ये चीज यहाँ पर उल्टी दी गई थी तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज़ इन करेक्ट तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज़ इन करेक्ट एंड टू इज करेक्ट तो ये भी गलत हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट वन टू बोथ आर इनकरेक्ट तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर बचो होप आप लोगों को यह सोल्यूशन समझ में आएगा थैंक यू ऑल द बेस्ट